हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कैरियर फाउंडेशन के यूट्यूब क्लास पर। तो जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास में जुड़ जाएं, क्योंकि आज का सवाल बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्योंकि आज के सवाल में ही मजेदार सवाल है, तो सवाल मजेदार होने से, शानदार होने से क्लास भी आपकी शानदार होगी। तो जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाए, और क्लास को अभी तक जो कोई भी लाइक नहीं, क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए, एमडी खुशीन मिशन जैसे सिख, करिश्मा, चलिए मीनू, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। जल्दी से कर दे सभी लोग क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, तो इससे पहले हमारे 5 क्लासेस हो चुके हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सवालों का। तो आज जो क्लासेस, 6ठा क्लास है, प्रैक्टिस क्लास ये 6 आपको देखने को मिल रहा है। तो जो पहली बार ज्वाइन कर रहे होंगे, इससे पहले जो 5 और प्रैक्टिस सेशन के जो क्लासेस है, वो क्लासेस को आप जरूर जरूर देखिएगा। उसको देखने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और आपके आने वाले एग्जाम में जो भी सवाल होंगे वो आपको मिस नहीं होंगे, आपके सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। बशर्ते आपको कंटिन्यू इस क्लास में बने रहना होगा। इस क्लास के माध्यम से बहुत कुछ हम सिखाने का प्रयास करेंगे आप सभी लोगों को। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और जो कोई भी घर बैठे बैठे कैरियर फाउंडेशन के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, वो कैरियर फाउंडेशन के एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर ले, वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और हर कोर्स के साथ आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सेशन। तो देर ना करें, जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त बनाए। ठीक है, चले लेट ना करते, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है कंप्यूटर से संबंधित, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में उसका हमेशा यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या है वो। तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, पहला सवाल है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। तो जल्दी बताया कि प्रिंटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर, चलिए प्रिंटर कितने प्रकार के होंगे, चलिए बताया जल्दी से कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, यहां पे मिल रहा है आपको एक प्रिंटर, यहां पे क्या मिल रहा है, प्रिंटर, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, प्रिंटर, यहां पे मिल रहा है आपको प्रिंटर। और प्रिंटर देखिएगा, एक हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस। ये क्या हमारा, एक आउटपुट डिवाइस आपको देखने को मिलती है। और प्रिंटर से हम लोग देखिए किसी भी चीज को क्या करते हैं, प्रिंट करते, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग, डॉक्यूमेंट हो है ना, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और प्रिंटर जो है वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। तो 2 टाइप की जब बात करते हैं, तो एक तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे इंपैक्ट प्रिंटर, एक क्या है इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरा हमारा देखने को यहां पे मिलेगा नन इंपैक्ट प्रिंटर। ये हमारा क्या है, नन इंपैक्ट प्रिंटर। ये 2 प्रकार के आपको प्रिंटर देखने को मिलता है, इंपैक्ट और दूसरा क्या हो गया हमारा, नन इंपैक्ट प्रिंटर। और इसी इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, याद रहेगा। एक तो हो गया हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है देजी विल प्रिंटर, देसी विल प्रिंटर, होगा, समझिएगा, होगा। तो इंपैक्ट प्रिंटर में कितने हो गए, 2, एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा हमारा क्या हो गया, डेजी विल प्रिंटर, इसको ध्यान रखिएगा। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की जब बात करा जाए, नॉन इंपैक्ट का, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या, इंक जेट प्रिंटर,
यहां पे मिलेगा इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। तो इंक जेट प्रिंटर आपको कहां पे देखने मिलेगा, नन। और दूसरा अगर देखा जाए तो यहां पे आपको मिलेगा लेजर प्रिंटर, क्या है, लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा इंपैक्ट में दो हो गया डॉट मैट्रिक्स डेज, और नॉन इंपैक्ट में क्या हो गया इंक जेट हो गया, और देखने को आपको मिलेगा और यहां पे मिलेगा इसको हम बोल सकते हैं थर्मल प्रिंटर, क्या है, थर्मल प्रिंटर होगा, क्या हो जाएगा थर्मल प्रिंटर, क्लियर है। तो ये दो प्रकार के प्रिंटर आपको यहां पे देखने को मिलता है, क्लियर सभी को, क्लियर सभी को, यहां तक कोई दिक्कत है क्या नहीं। और अगर ऐसे देखा जाए तो प्रिंटर जो हमारे होते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो प्रिंटर जो हमारे होते हैं इसको फिर हम लोग तीन प्रकार से बांटते हैं। एक तो कार्य करने का आधार समझेगा कि प्रिंट करने का, तो ये जो हम लोग जो बांट रहे हैं ये तो किस आधार पर बांट रहे हैं, प्रिंट करने के तरीके के आधार पर, ये क्या हमारा प्रिंट करने के तरीके, तो प्रिंट करने के तरीके के आधार पर हम इसे कितने भागों में बांटे, दो भाग में। पर ऐसे अगर देखा जाए तो हम लोग कितने समूह में बांट दिए इसको, तीन समूह में। तो एक पहला हमारा हो जाएगा करेक्टर प्रिंटर, क्या हो जाएगा करेक्टर प्रिंटर, क्या हो जाएगा करेक्टर। उसके बाद देखने को मिलेगा आपको यहां पे लाइन प्रिंटर, क्या मिलेगा लाइन प्रिंटर, और इसके बाद देखने को मिलेगा आपको पेज प्रिंटर, कोई दिक्कत है। तो यहां पे हम लोग ये भी देखे कि कितने ग्रुप में, तो तीन ग्रुप में बांट, तीन ग्रुप में इसे हम लोग क्या कर दिए, तीन ग्रुप में बांट दिए, हो गया। तो करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, और प्रिंट करने के तरीके के आधार पर दो भाग बांट दिए, इंपैक्ट और क्या हो गया नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट में क्या हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, और नॉन इंपैक्ट में हो जाएगा आपका इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्मल प्रिंटर। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक, समझ में आ रहा सभी को, सभी को समझ में आ रहा, ठीक है। करेक्टर प्रिंटर का मतलब समझिएगा कि एक बार में ये एक करेक्टर को क्या करता, प्रिंट करता है। इसीलिए देखिएगा ये जो हमारा करेक्टर प्रिंटर है इसको कहा जाता है सीरियल प्रिंटर, इसे क्या बोलते हम लोग सीरियल प्रिंटर। तो एग्जाम में कभी पूछ देगा कि सीरियल प्रिंटर किसे कहते हैं, तो करेक्टर प्रिंटर को ही सीरियल प्रिंटर के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किन्हीं को, क्लियर है सभी को, चलिए यस सर, इस चीज को यहां पे आपको ध्यान यहां पे रखना है, ठीक है। चलिए तो क्लास को जल्दी से आप सभी लोग लाइक शेयर एंड चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को क्या कर दे सब्सक्राइब भी कर दे, यस सर। नेक्स्ट, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को क्या कहते हैं, ए अस्क, बी मैग्नेटिक टेप, सी ओसीआर स्कैनर, एंड डी है बार कोड, क्या कहते हैं बताए, क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताए क्या कहें। देखिए आप देखते होंगे किस प्रकार से, इस प्रकार का आपको देखने को, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट में देखेगा इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक, इस प्रकार से देखने मिलेगा, है ना। और इसके लिए देखिएगा एक स्कैनर रहता है, क्या रहेगा हमारे पास स्कैनर, है ना, एक क्या रहता है स्कैनर, इस स्कैनर से हम लोग क्या करते हैं स्कैन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है बार कोड, ये क्या हो गया हमारा बार कोड। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा डी हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग बार कोड रीडर, ठीक है, क्लियर है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बार कोड टीचर। अब देखते होंगे कि जो भी हमारे आजकल देखते हैं कि जब भी हम लोग सुपर मार्केट देखिएगा कि जब भी हम लोग कहाँ पे जाते हैं सुपर मार्केट जाते हैं। जब सुपर मार्केट जाते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट जो होता है तो उस प्रोडक्ट को सबसे पहले हम लोग क्या कर देखिए ना वो क्या करेगा स्कैन करता है। तो जब स्कैन करता है तो उस स्कैन से इसको पता चल जाता है किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का क्या प्राइस, ठीक है, वो कहां का बना हुआ है, कंपनी नेम क्या पता चल जाएगा, कंपनी नेम फिर पता चल जाएगा, एक्सपायरी डेट चलेगा, एक्सपायरी डेट उसको तो बोलते मैन्युफैक्चरिंग डेट है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सभी डिटेल आपको वहां पे देखने को मिलेगा, बशर्ते डिटेल आपको इस बार कोड रीडर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं स्कैन करके वहां से हम लोग सारे चीजों को क्या करते हैं पता लगा लेते हैं। तो आजकल देखिए सुपर मार्केट में, पुस्तकालय में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, हर जगह आपको ये मिलेगा आपको कौन सा बार, ठीक है, दिक्कत बार कोड मतलब एक प्रकार से यहां पे क्या होता है स्क्रीनिंग किया जाता है। नेक्स्ट, लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितनी चिन्ह छापती है, लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितने चिन्ह छापती है, ए 100 से 200, बी है 5 से 50, सी है 5 से 100 एंड डी है 200 से 2000, बताइए। चलिए बताइए जल्दी से, लाइन प्रिंटर क्या हो जाएगा, लाइन प्रिंटर। देख क्लास को अभी तक जो कोई भी लाइक नहीं किया आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को क्या कर दे सब्सक्राइब भी कर दे। देख अभी बात किए थे कि हम लोग जो प्रिंटर होता है क्या होता है प्रिंटर है ना, क्या होता है प्रिंटर। तो प्रिंटर जो हमारा है एक क्या है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है एक आउटपुट डिवाइस, और इस प्रिंटर को हम लोग क्या कर सकते हैं तीन भाग में, इसको हम लोग क्या करते हैं बांट दे, कितने भाग में बांट दिए तीन भाग। तो एक तो हो गया कैरेक्टर प्रिंटर, हो गया एक क्या हो गया कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा यहां पर हो गया हमारा लाइन प्रिंटर, क्या हो गया लाइन प्रिंटर, दूसरा यहां पे क्या हो गया हमारा लाइन। तो एक देखिए तो यहां पे हम लोग दो भाग बांटे थे, एक तो कैरेक्टर प्रिंटर, एक हो गया हमारा क्या लाइन प्रिंटर, और तीसरा जो मिलेगा आपको पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर। तो ये चार भागों में यहां पे लोग क्या करते हैं। अब देखिए यहां पे हमारा क्या है लाइन प्रिंटर, समझिएगा यहां पे किसके बारे में बोल रहा है कि लाइन प्रिंटर के बारे में बोल रहा है कि लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितने चिन्ह छापता है, तो ये छापेगा 200 से लेकर 2000, ऑप्शन नंबर यहां पे क्या होगा, ठीक है। मतलब लाइन प्रिंटर का मतलब ये किया ये एक बार में समझिएगा, ये जो लाइन प्रिंटर होता है एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, एक बार में एक लाइन क्या करता है प्रिंट करता है, और यही वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो लाइन प्रिंटर कहेगा, कोई दिक्कत हो गया। और ये जो कैरेक्टर प्रिंटर इसको हम लोग क्या बोलेंगे सीरियल प्रिंटर, इसे क्या कहते हैं सीरियल प्रिंटर, ये पूछ सकता है इसे कहेंगे सीरियल प्रिंटर, मतलब एक बार में एक कैरेक्टर को, समझे एक बार में एक करेक्टर को क्या करता है प्रिंट करता है, और यही वजह इसको हम लोग क्या बोलते हैं करेक्टर प्रिंटर। यहां पे हमारा दूसरा का लाइन प्रिंटर, मतलब एक बार में एक लाइन क्या करता है प्रिंट करता है, ठीक है। और पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर का मतलब होता है कि एक बार में पूरा पेज क्या करता है प्रिंट करता है, पूरा पेज प्रिंट करता है, यही तो उसका अंतर है, इसका आपका यही अंतर देखने को आपको मिलता है, कोई दिक्कत किन्हीं को यहां तक समझ मारा सभी को। तो प्रिंटर यहां पे ये चीज है, ठीक है। और नॉर्मल अगर प्रिंटर की हम लोग बात करते हैं, प्रिंटर का प्रिंट करने के तरीकों के आधार पर अगर बात करेंगे तो ये प्रिंटर हमारा फिर दो प्रकार का होगा, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है
नन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो इंपैक्ट प्रिंटर और नन इंपैक्ट प्रिंटर किस आधार पे हमारा है? तो प्रिंट करने के तरीके के आधार पर। कोई दिक्कत किसी को यहां तक है? समझ मारा सभी को? आज मेरा फर्स्ट डे सर, चले ज्योति देव, चले वेलकम है आपका कैरियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे और साथ ही साथ कंप्यूटर के क्लास में। तो आप अगर क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। हाँ, इंपैक्ट और नन इंपैक्ट, क्लियर सभी को यहां तक? हाँ, इंपैक्ट और नन इंपैक्ट, और इंपैक्ट के भी देखा जाए तो इसके भी दो टाइप मिलेंगे, इंपैक्ट के भी मिलेंगे दो। तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स और डेजी व्हील प्रिंटर, उसके अलग अलग क्या टाइप है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है? ए लेजर, बी है लाइन, सी है इंकजेट एंड डी है डॉट मैट्रिक्स। कौन सा प्रिंटर आएगा? कौन सा प्रिंटर के बारे में यहां पे बात हो रही है बताइए। बताए जल्दी से यहां पे राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए तो क्या पूछ रहा है कि कौन सा ज्यादा काम आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर। तो देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, किसके बारे में पढ़ते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर। तो इस इंपैक्ट प्रिंटर का देखिएगा दो टाइप आपको देखने को मिलेगा। एक तो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा देखने को मिलेगा आपको डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसका, डॉट मैट्रिक्स, है ना, डॉट मैट्रिक्स। और डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का देखा जाए तो ये क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर, क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर, ये क्या है, कैरेक्टर। तो यहां पर क्या पूछ रहे कि कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर ज्यादा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें क्या होता है, एक प्रिंटेड होता है, क्या होता है, एक प्रिंट हेड होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रिंट हेड होता है, समझिएगा, इसमें क्या होगा, एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे, समझिएगा, जो प्रिंट हेड होता है वो आगे पीछे ऊपर नीचे ये क्या होता है, घूमता है। और जो स्याही लगा हुआ रिबन होता है इसमें क्या होता है, स्याही लगा हुआ रिबन, स्याही लगा हुआ रिबन, तो स्याही लगा हुआ जो रिबन होता है ये क्या करता है, चोट करता है, क्या करता है, चोट, चोट करता है, मारता है, ये क्या करेगा, चोट करता है। और जब चोट करेगा, जब क्या करेगा, चोट करेगा स्याही लगा हुआ रबर, तो जो चीज हमको छापना रहेगा, जो चीज प्रिंट करना रहेगा, वो चीज वहां पे क्या होगा, प्रिंट होगा, क्लियर है। और अगर देखा जाए तो ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दो कॉलम में आता है, एक 80 कॉलम, किसमें आएगा, 80 कॉलम, और दूसरा आता हमारा 132 कॉलम। पर दो क्षमता, ये दो क्षमता कैपेसिटी वाली आपको मिलेगी कौन, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक तो 80 कॉलम और दूसरा हमारा कितना है, 132 कॉलम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। तो अगर खर्च की बात की जाए तो इसमें प्रिंटिंग खर्च जो होता है वो बाकी प्रिंटरों के कंपेयर में इसमें क्या होती है, कम होती है, क्लियर है। बट अगर देखा जाए स्पीड, देखिए खर्चा तो कम है, खर्चा क्या यहां पे कम है, पर जब स्पीड की बात करेंगे तो और प्रिंटर के कंपेयर में इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्लियर है। और ये याद रखना है कि एक बार में ये जो हमारा क्या है, एक ही रंग प्रिंट करता है, एक रंग ही
प्रिंट करता है, एक बार में ये एक ही रंग क्या करता है, प्रिंट करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कोई दिक्कत यहां पे है? और इसकी क्षमता की बात करते हैं, इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे, तो इसको मापा जाता है किससे, डॉट्स पर इंच। तो कैपेसिटी को कैसे मापते हैं हम लोग, डॉट्स पर इंच से क्या नापते हैं, क्षमता को। कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक सभी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्लियर है? हाँ, रेलवे में देखिए, रेलवे में जो टिकट आता है, टिकट है ना, टिकट जो आता है रेलवे में, देखिए ये जगह देखिएगा टिकट है ना, देखिए टिकट में क्या देखिएगा आपको, देखिएगा ये डॉट डॉट करके, टिकट में क्या मिलेगा आपको, डॉट डॉट करके, देखिए पूरा नहीं, डॉट डॉट डॉट, अगर हमको रांची लिखना तो डॉट 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 करके आर लिखा, फिर क्या लिखा, ए लिखा, फिर क्या लिखा, एन लिखा, फिर क्या लिखा, सी लिखा, फिर क्या लिखा, एच। तो देखिए देखा जाए इसकी, इसका ये क्या है, स्पीड इसका क्या होता है, कम होता है, स्पीड इसका क्या होता है, कम है ना, डॉट्स पर इंच, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, डॉट्स पर इंच। तो ये कौन सा प्रिंटर हमारा हो गया, डॉट 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 मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाँ इस इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहाँ घूम के आ रहे हैं, देखिए ना दूसरा टिकट में देखिए, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या है देखने को मिलेगा, टिकट लेके आए थे सर, हाँ टिकट लेके आए, ठीक है, टिकट लेके आए। आप लोग क्लास को तब तक लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम एक मिनट मारें, ठीक है। कितना दिन से रखे थे, संडे का टिकट है, ज्यादा दिन का नहीं है, संडे का टिकट है, ठीक है, पॉकेट में था तो दिखा दिए। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, कि स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन में मिलता है, किस मशीन से मिलता है स्कैनर का स्वरूप, ए टाइप मशीन, बी ए फ्रैंकिंग मशीन, सी ए फोटोकॉपियर, एंड डी ए साइक्लोस्टैन, किससे मिलती है। हाँ जरूर पूरा करा देंगे भाई, पूरा रहो तो पहले भैया, किससे मिलता बताइए, स्कैनर का जो स्वरूप है किससे मिलता है, स्कैनर का स्वरूप जो किससे मिलता है बताइए। तो स्कैनर का जो स्वरूप है वो किससे मिलता है हमारा, फोटोकॉपियर से, किससे मिलता है, फोटोकॉपियर से मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी फोटोकॉपियर। द फॉर्मेट ऑफ स्कैनर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन, तो क्या हो जाएगा, फोटोकॉपियर। नेक्स्ट, कीबोर्ड में कितने एरो की बटन होते, कीबोर्ड में कितने एरो की बटन होती है, कीबोर्ड में कितने एरो की बटन होती है, कीबोर्ड में कितने एरो की बटन होती है। बता जल्दी से कितने होंगी, चलिए कितने होंगे भैया कीबोर्ड में। तो देखिए जब आप कीबोर्ड को देखते होंगे, किसको देखते होंगे, कीबोर्ड को, तो कीबोर्ड में कितने एरो के बटन, देखिए एक तो हो गया, एक दो तीन चार, चार ही ना, तो कीबोर्ड में कितने एरो के बटन आपको देखने को मिलेंगे, चार देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा ना, फोर। इस प्रकार से देखिएगा, एक तो मिलेगा इस प्रकार से, एक मिलेगा आपको इस प्रकार से, एक मिलेगा इस प्रकार से,
और दूसरा मिलेगा इस प्रकार से। तो यहां पे हो गया कितना, तो टोटल यहां पे हो गया 4 होगा। तो ये हमारा क्या है, कीबोर्ड। और जो कीबोर्ड है एक प्रकार से देखा जाए तो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड एक प्रकार का क्या हमारा, इनपुट डिवाइस। कैसा, इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड में आपको क्या देखने मिलेगा, बटन। क्लियर है यहां पे, इस इसको यहां पे ध्यान रखिएगा। तो ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए, लेफ्ट करने के लिए, राइट करने के लिए, इस प्रकार से आप कीबोर्ड आप देखने को आपको मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। ठीक है, तो देख कंप्यूटर से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए देखिए एबीसीडी है, तो अगर मतलब एबीसीडी हमको क्या इनपुट करवाना है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एबीसीडी को इनपुट करवाएंगे। अगर न्यूमेरिक डाटा को इंटर करें, तो न्यूमेरिक डाटा के लिए देखिए यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 7 8 9 है, यहाँ पर भी है कि नहीं। और मान लें हमको कोई भी पेज कर रहे हैं, उसको अगर ऊपर जाना तो ऊपर इससे जाएंगे, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, नीचे जाना है, इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, चलिए सारा हो जाएगा, सारा क्लियर आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है, कितनी बार दोहराई गई है, A1 B2 C3 and D4। चलिए कितनी बार दोहराई गई है, संख्या रूपी बटनों को कितनी बार दोहराई गई है, तो कितनी बार दोहराई गई है, 2 बार यहां पे दोहराई गई है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या होगा हमारा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं, माउस कवर, बी है माउस पेड, सी क्या हो जाएगा आपका, माउस रख तक, एंड डी है माउस। क्या कहलाएगा, देखिए तो क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या बोलते हैं हम लोग, तो क्या कहेंगे इसको, माउस पेड। क्या कहेंगे, माउस पेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो गया, बी हो गया। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, माउस पेड। ये क्या भैया, माउस पेड। इस माउस पेड में हम लोग क्या रखते, इस प्रकार से हम लोग माउस को रखते हैं, और माउस को इस प्रकार से क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, करवाते हैं। और जब ये इस प्रकार से मूव करेगा तो जो क्रसर होता है वो क्रसर भी आपके मॉनिटर में क्या करेगा, पूरी स्क्रीन में क्या करता, मूव करता। जैसे जैसे इसको घुमाइएगा वैसे वैसे आपका जो क्रसर है वो भी आपका स्क्रीन पे क्या करता है, मूव करता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या करेगा, मूव करेगा। अब जैसे आप इसको करवा सकते हैं मूव। तो अगर माउस की अगर बात की जाए तो माउस पेड में हम लोग क्या रखते हैं, माउस को रखते हैं, क्या रखते हैं, माउस को। और माउस जो है एक प्रकार का, देखिए इसमें हम लोग इनपुट, इसमें हम लोग क्या एंट्री करवा रहे हैं, इनपुट को एंट्री करवा रहे हैं, इसी वजह से माउस जो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। ये क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस होगा हमारा, होगा कि नहीं, इनपुट डिवाइस। कोई दिक्कत यहां पे, क्लियर सभी को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस होगा। चलिए ठीक है, और बताए थे कि माउस की जो खोज हुई थी कब हुई थी, 1977 में, कब हुई थी, 1977 में। और माउस में देखिएगा एक तो इधर हो गया एक क्लिक, राइट क्लिक, इधर क्या हो गया लेफ्ट क्लिक, और बीच में देखिएगा इस प्रकार से क्या होता है आपको, अब क्या देखने को मिलेगा, स्क्रोल व्हील। स्क्रोल व्हील का मतलब चक्का, तो स्क्रोल हो रहा है, ये क्या होता है, मूव करता है, ऊपर जाइएगा इस प्रकार से नीचे आ रहे, तो यहाँ पे स्क्रोल, तो एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, बीच में क्या होगा, स्क्रोल मिलता है, क्या दिक्कत है। इसीलिए इसको देखिएगा हम लोग इस माउस को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। इस माउस को और एक नाम है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो कभी पूछ दे कि पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं, तो माउस को, क्योंकि पॉइंट ना हो रहा है ना, पॉइंट। तो इसको यहां भी रगड़ सकते हैं, माउस पेड में भी, मन करे तो गलवों में रगड़ सकते हैं, यूं से थोड़ा बहुत काम कर जाएगा, वो डिपेंड करता है आपका गाल कैसा है।
गाल आपका, मेरा तो खुरदरा है, काम तो ठीक है करेगा, स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। तो माउस पेड जनरली, तो माउस पेड में आपका जो काम वर्क होता है बहुत स्मूथ देखने को मिलेगा। क्लियर सभी को? हाँ, क्योंकि मांस इधर देखिएगा, यहाँ पे मेन काम यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, माउस के नीचे एक रबड़ बॉल होता है। यहाँ पे देखिए माउस के नीचे क्या होता है, एक रबड़ बॉल होता है। जब इसको रगड़ते हैं तो ये क्या होता है, हमारा मूव होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा, ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी माउस एंड डी हो जाएगा वन एंड टू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस एंड वन एंड टू, कौन यहां पे? बताइए क्या यहां पे होगा आपका राइट आंसर। तो देखिए आप यहां पे देख पा रहे होंगे, आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा क्या, तो ये क्या हमारा प्रिंटर, ये क्या हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर जो हमारा क्या है, प्रिंटर जो हमारा एक डिवाइस है, कंप्यूटर का डिवाइस है, और ये कैसा डिवाइस हमारा है, आउटपुट डिवाइस होगा कि नहीं। तो क्या हो गया हमारा आउटपुट, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमारा है आउटपुट डिवाइस। तो यहां पे देखिए पूछ रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस में देखिए यहां हमारा क्या होगा, प्रिंटर, क्या हो जाएगा प्रिंटर। और प्रिंटर के साथ साथ यहां पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, मॉनिटर। तो मॉनिटर तो ढेर बड़ा हो जाएगा, दिक्कत होगा लाने में, है ना। तो इसको याद रखें, तो ये हमारा इसी में हमारा क्या करते हैं, जो इनपुट देते हैं तो उसी इनपुट से हमको फिर इसी मॉनिटर के थ्रू क्या मिलता है, मतलब इस प्रिंटर के थ्रू क्या मिलता है, आउटपुट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस चीज को यहां पे ध्यान रखिएगा, क्लियर है यहां पे। चलिए तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कौन है, तो आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर भी होगा और आउटपुट डिवाइस में यहाँ क्या होगा हमारा, मॉनिटर भी होगा। तो ए एंड बी दोनों होगा, मतलब वन एंड टू। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, वन एंड टू। खराब प्रिंटर नहीं है रे भाई, अच्छा प्रिंटर है, कोई भी यहाँ पे कोई भी सामान आप देख रहे हैं वो खराब नहीं है, सब अच्छा है ना, सब क्या है अच्छा। कीबोर्ड भी दिखा रहे हैं, माउस भी जो है ये भी चलता हुआ माउस है, अगर नहीं विश्वास है तो आप आइए, वो हमको चला के दिखाएंगे, प्रिंटर भी आपको चला के दिखाएंगे और कीबोर्ड भी आपको हम चला के दिखाएंगे और हम भी अपने आप को चला के दिखाएंगे, कुछ भी यहाँ पे खराब नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रिंटर हमारा क्या हो गया, ठीक है। अब मॉनिटर की बात करें तो दो मॉनिटर हम लोग यूज करते हैं, एक तो होता है टीएफटी बोलते हैं ना, एक मॉनिटर कौन सा है TFT, और एक होता है CRT मॉनिटर, क्या होता है CRT। ये तो दो मॉनिटर हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है, एक तो ये और एक तो मॉनिटर, ये दो मॉनिटर हम लोग क्या करते हैं ज्यादा यूज करते हैं, CRT एंड TFT। तो CRT में देखिएगा कि CRT जब मॉनिटर आप देखते होंगे तो CRT मॉनिटर में पीछे इस प्रकार से निकला रहता था, तो ये कौन सा मॉनिटर हो गया CRT। और देखिए TFT में क्या किस प्रकार से आपका रहेगा, फ्लैट रहता है, है ना, तो थोड़ा ज्यादा जगह घेरता है, ये थोड़ा सा क्या करता है आपका कम जगह घेरता है। चलिए कोई दिक्कत, हाँ चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए और प्रिंटर तो बता दें कि प्रिंटर कितने प्रकार के, तो दो प्रकार का अभी देखे हम लोग यहाँ पे, एक तो हो गया इम्पैक्ट, क्या हो गया इम्पैक्ट, और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट। एक्सप्लेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट,
डेटा किस रूप में हो सकता है? ए अलिखित, बी लिखित, सी अवक्षय एंड डी ए और बी। इन विच फॉर्म कैन द डाटा बी? ए अनरिटेन, रिटेन, अनऑडियबल एंड डी ए एंड। हाँ यूट्यूब में ही रहेगा भैया, यूट्यूब में ही। चलिए बताए, जल्दी बताए क्या होगा यहाँ पे। चलिए डाटा किस रूप में रह सकता है भैया? तो अलिखित भी रह सकता है और क्या हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए एंड बी होगा। क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, YouTube में ये क्लासेस आपके हैं जो YouTube में मिलते हैं शाम को 6 बजे। ठीक है, तो शाम को 6 बजे आप सभी लोग बने रहिएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर तथा मानव के संपर्क किसके द्वारा होता है? ए इनपुट एंड आउटपुट, बी है इनपुट, सी है आउटपुट एंड डी है आपका सीपीयू। तो किसके द्वारा होता है? नहीं बंद नहीं किया भैया, 7 बजे से होता है वो क्लास, जो है 7 बजे सबका होगा। चलिए बता जल्दी से यहां पे क्या होगा। देखिए क्या पूछ रहे, कंप्यूटर और दूसरा क्या, मानव का संपर्क किसके द्वारा? तो देखिएगा कि कंप्यूटर मानव का संपर्क किसके द्वारा होता, समझिएगा। तो सबसे पहले एक हमारा क्या होता है, इनपुट। सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं, इनपुट। तो इनपुट डालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस बहुत है तो मान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस में क्या, हमारा कीबोर्ड। क्या मान लेंगे, कीबोर्ड, या मान सकते हैं हम लोग क्या, माउस। तो इससे हम लोग क्या दे दिए, इनपुट डिवाइस से हम लोग इनपुट दे दिए, और इनपुट दिए तो इनपुट दिए किसको, तो यहां पे हमारा कौन है, सीपीयू। कौन है, सीपीयू। और सीपीयू फिर क्या करेगा, इस चीज को प्रोसेस करेगा। सीपीयू क्या करेगा, इस चीज को प्रोसेस। और प्रोसेस करने के बाद देखिएगा फिर यह हमको देगा क्या, आउटपुट। क्या देगा, आउटपुट। और आउटपुट के लिए हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो जब आउटपुट डिवाइस की बात करें तो देखिए यहां पे हमारा प्रिंटर भी है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी हमारा क्या है, मॉनिटर, ये भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो देखा जाए यहां पे तो कंप्यूटर और मानव के संपर्क किसके द्वारा होता है, इनपुट एंड आउटपुट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा ए होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि जो एक कीबोर्ड है, ये हमारा क्या है यहां पे, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से हम लोग क्या दे दिए, इनपुट, इनपुट दे दिए, या न्यूमरिक हो सकता है, अल्फाबेटिक हो सकता है, जो भी आपको डाटा देना है, जो भी इंस्ट्रक्शन देना है, जो भी इनपुट देना है, ये कीबोर्ड के माध्यम से आप दे सकते हैं। कीबोर्ड के अलावा अगर देखा जाए तो ये जो माउस है, ये क्या हमारा, माउस। तो माउस के द्वारा भी हम लोग क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं किसको, सिस्टम। माउस के द्वारा क्या देंगे, सिस्टम देंगे, सिस्टम को हम लोग देंगे। और जब दे देते हैं तो यहां पर देखिएगा हमारा सीपीयू क्या करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और सीपीयू को देखिए तीन पार्ट आपको देखने को मिलेगा, एक तो हो गया एएलयू, एक क्या हो गया, एएलयू, दूसरा क्या मिलेगा, सीयू, और तीसरा यहां पे मिलेगा मेमोरी, मिलेगा मेमोरी। और बाद में फिर जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है फिर आउटपुट के रूप में फिर हमें वो चीजें मिल जाती है। और आउटपुट के लिए आपको देखने को मिलेगा क्या, फिर से ये प्रिंटर। तो ये प्रिंटर जो दिख रहा है एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है कि नहीं, क्लियर है यहां पे। तो ये आउटपुट डिवाइस आपको देखने को मिलती है, क्लियर है। हाँ, इसी से निकलेगा क्या, प्रिंट, जो इनपुट दिए और फिर जो मॉनिटर में दिखता है वही फिर इसी प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आपका हो जाता है। चलिए क्लियर सभी को। हाँ रॉकी बोलते आप कहां से हो सर, हम तो भैया घर से है, अपना अपना कहाँ से, घर से, और हमारे घर लागो धनबाद, धनबाद में लागो गोमू, गोमू का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमू। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ पे, इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना। देखिए लेके तो आ रहे बाबू आप ही लोग के लिए, कि आप लोग को ज्यादा समझ में आए कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निवेश के प्रकार में कौन शामिल, निवेश के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? ए ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम एंड इनमें से कोई नहीं, बताइए बताइए।
कौन सा माध्यम? तो निवेश के प्रकार में जो है वो प्रकाश माध्यम यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी लाइट मीडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, बी स्कैनर, सी आइकॉन एंड डी ट्रैक बॉल। रांची ने, धनबाद, धनबाद में घूमो। चलिए बताइए जल्दी से यहां पे क्या होगा। चलिए देखिए, माउस की तरह यहां पे कौन कार्य करता है? देखिए तो माउस की तरह यहां पे कौन कार्य कर रहा है? ट्रैक बॉल। अब देखिए बहुत सारी चीजों को देखते होंगे। एक मोबाइल आ रहा था पहले, मेरे पास मोबाइल था, कहते हैं बड़का मोबाइल था एक माइक्रोमैक्स, तो बीच में देखिए यहाँ पे इस बीच में इस प्रकार ये स्क्रीन था, ये क्या था? स्क्रीन। और बीच में देखिएगा यहाँ पे एक लगा रहता था, यहाँ पे क्या बटन, इस प्रकार से आपको क्या मिलता था? बटन दिखाई पड़ता था इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे लिखा रहता 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, है ना, ए बी सी डी ई जो भी था इस प्रकार से। तो बीच में देखिएगा कि यहाँ पर एक बॉल होता था, उस बॉल को क्या करते थे हम लोग? उंगली से करके क्या करते? छूते थे। इससे क्या करते थे? छूते थे। और जब छूते थे देखिए वो क्या करता था? मूव करता था, करता था जी, क्या करता था? मूव। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो था यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक बॉल। इसको क्या बोलते थे? ट्रैक, है ना। तो ट्रैक होता था, एक बॉल होता था गोल टाइप का, और वो गोल गोल क्या मूव, वो क्या करता? मूव करता था इस प्रकार से, हिलता डुलता था। क्या होता? हिलता डुलता था। और जब हिलता डुलता था उसी से क्या होता था? काम करता था, मतलब माउस की तरह। मतलब माउस में भी तो वही कर रहे हैं, तो माउस में भी हम लोग क्या करें? जो माउस है भैया, इस माउस में भी तो वही कर रहे ना, इसको ऐसे से कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो जस्ट माउस की तरह वो काम करता था हमारा कौन? ट्रैक। हाँ, ब्लैकबेरी वाला मोबाइल में, सही बोले, ब्लैकबेरी वाला मोबाइल में, नहीं ब्लैकबेरी का मोबाइल मिलता था, फिर माइक्रोमैक्स जो था ना, माइक्रोमैक्स, माइक्रोमैक्स मिलता था, ब्लैकबेरी वाला में मिलता था, इस सब में आपको देखने को मिलता था इस प्रकार से मूविंग करता था, मूव करता था। ठीक है, चलिए हार्ड डिस्क दिखा। हाँ भैया हार्ड डिस्क दिखे, सब दिखाएंगे। चलिए, हाँ डेली क्लास चलता है भारती, हाँ डेली क्लास चलता है डेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी लाइट पेन एंड डी वीडियो। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए जल्दी से यहां पे कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं? देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है यहां पे, समझे क्या है, समझिए यहां पे, समझने कोशिश कीजिए। तो देखिए यहां पे दो डिवाइस हमारा, एक तो इनपुट डिवाइस, एक हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइस। दूसरा होता हमारा क्या यहां पे? आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि वैसा डिवाइस जिसे हम लोग क्या पुट करवाते हैं? इनपुट। और वैसा डिवाइस जो हम लोग पुट करवाए, जो इन्फॉर्मेशन को, जिस डेटा को, उस देखने के लिए, उसको रिजल्ट पाने के लिए हम लोग, हमारे पास क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। तो जब यहां पे माउस की बात करें, माउस हमारा क्या है? माउस हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन हमारा क्या? इनपुट। वीडियो हमारा, वीडियो ऑप्शन नंबर डी। वीडियो मतलब यहां हो गया मॉनिटर। क्या हो गया? मॉनिटर। तो मॉनिटर को कहा जाता है वीडियो, जिसका मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या कहेंगे? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो हमारा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मॉनिटर। ये हमारा क्या हो गया? मॉनिटर हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया? मॉनिटर। इसको ध्यान रखिए। और मॉनिटर की अगर टाइप की बात की जाए तो इसका भी होगा दो, एक हो जाएगा हमारा सीआरटी, एक क्या हो जाएगा? सीआरटी मॉनिटर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा एक मिलेगा आपको टीएफटी। क्या मिलेगा? टीएफटी मॉनिटर। ये दो चीज याद रखिएगा। तो एक हो गया सीआरटी और दूसरा हमारा क्या हो गया यहां पे? सीएफटी हो गया। चलिए टीएफटी।
कंप्यूटर सर्च चेंज हो गया, क्या बोल रहे, कंप्यूटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ना, विजिबल डिस्प्ले यूनिट सब बोल रहा है। चलिए इस चीज को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीआरटी मॉनिटर में क्या देखिएगा, किस प्रकार से रहता था स्क्रीन, है ना, इस प्रकार से पीछे निकला रहता था, है ना, इस प्रकार पीछे निकला रहता था, ये हमारा स्क्रीन होता था इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से क्या होता है, कीबोर्ड होता था। और सीआरटी टीएफटी में क्या है कि डायरेक्ट इतना बड़ा आपको मिलेगा इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, है ना, ये हो गया हमारा टीएफटी। तो ये थोड़ा सा जगह ज्यादा घेरता था, बड़ा होता था, ये थोड़ा सा क्या था, कम जगह घेरता है, ये आसानी से एक जगह से दूसरे जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, किसको, तो टीएफटी। भारत मेहता महता भैया सब हो जाएगा, लगे रहे क्लास में, सारे कुछ होगा। चलिए हो गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ क्लियर सभी को यहां तक, तो देखिए अभी तक क्लास को जो कोई भी लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। माउस ले जाएंगे नहीं, नेक्स्ट, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता, ओके कौन सा, बाया, बी दाया, सी बीच वाला, एंड डी व्हील, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, बताए किसका प्रयोग करते हैं, बताए यहां पे किसका प्रयोग करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, तो किसका प्रयोग करेंगे भैया यहां पे, तो क्या पूछ रहा है कि माउस का कौन सा बटन सामान्यता ओके किसके लिए, ओके ओके, तो ओके के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो कौन सा, लेफ्ट बटन का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो गया, तो माउस में कौन सा बटन का प्रयोग करेंगे ओके के लिए हम लोग, लेफ्ट बटन का प्रयोग करेंगे। बताया कि माउस में देखिएगा इस प्रकार से आपको दिखता है माउस, क्या इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, तो यहां पे बीच में क्या होता है, एक व्हील होता, इस प्रकार से यहां पे बटन होता, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक माउस पैड आपको यहां पे देखने को मिलेगा, है ना, एक माउस पैड, और पीछे देखिएगा कि एक रबर लगा हुआ, इधर पीछे क्या होता है, एक रबड़ होता, एक पॉइंटर होता, और पॉइंटर को जब हम लोग मूव करवाते हैं कहां पर, इस माउस पैड में, कहां पर, इस माउस पैड में, जब हम लोग माउस के नीचे क्या है, रबड़ बॉल होता है, जब इसको मूव करवाते हैं तो ये क्या करता है, हमारा जो क्रसर होता है वो स्क्रीन में क्या नाचेगा, कभी दाया कभी बाया, है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, वो नाचेगा जब हम इसको क्या कराएंगे, मूव कराते हैं, ठीक है। और माउस का मुख्यतः देखिए चार एक कार्य मिलेगा, एक तो लेफ्ट क्लिक हो गया, एक राइट क्लिक हो गया, है ना, और देखिए जब आप छोड़ देते हैं लेफ्ट क्लिक को, देखिए एक बार दबा के छोड़ दीजिएगा तो आवाज आती है, क्लिक बोले, देखिए एक आवाज क्लिक, है ना, एक आवाज आएगी, क्या जाएगी, एक आवाज यहां पे आपको देखने को मिलती है, इस चीज को आपको यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो हाँ, अप डाउन, अप डाउन, चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है, ए लेजर प्रिंटर, बी है जेट प्रिंटर, सी है थर्मल प्रिंटर, एंड डी है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। चलो बताइए जल्दी से यहां पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसका, दो प्रकार का प्रिंटर होता है, एक तो हमारा इंपैक्ट, क्या होता है, एक इंपैक्ट प्रिंटर, है ना, एक क्या हो गया हमारा इंपैक्ट, और दूसरा हमारा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होगा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इसी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की जब बात करेंगे तो इसी में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, एक तो इंक जेट, एक क्या मिलेगा, इंक जेट प्रिंटर,
ये क्या मिलेगा? इंकजेट। ठीक है, दूसरा आपको क्या मिलेगा यहां पे? लेजर प्रिंटर। क्या मिलेगा? लेजर प्रिंटर, समझिएगा। तो ये किसका टाइप है? ये टाइप मिलेगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का। तो लेजर प्रिंटर यहां पे देखने को मिलेगा, और एक प्रिंटर यहां पे मिलेगा आपको थर्मल प्रिंटर। कौन मिलेगा? थर्मल प्रिंटर। तो यहां पे कुछ क्या सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन है? तो सबसे तेज गति का प्रिंटर हमारा कौन है? लेजर प्रिंटर होगा। और लेजर प्रिंटर किसमें आता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा है एक तीव्र गति का एक फास्ट हमारा क्या है? एक प्रिंटर है। इसमें क्या होता है? लेजर बीम की सहायता से किसकी? तो लेजर बीम। तो इसमें देखिएगा जो लेजर प्रिंटर में किसका यूज करते हैं हम लोग? लेजर बीम का। याद रखिएगा, तो लेजर बीम की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? तो आकृति बनाते हैं। क्लियर सभी को? चलो, हो गया। चलो इस चीज को याद रखिएगा, इसकी अगर क्वालिटी की बात करते, इसकी स्पीड की बात करते, तो और प्रिंटर के कंपेयर में ये क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? इसको यहां पे याद रखना है, कोई दिक्कत? चलिए, और ये देखा जाए तो दो प्रकार के होता है, एक तो हो गया मोनो, एक क्या होता है? मोनो, और दूसरा यहां पे हो जाएगा रंगीन। ये दो प्रकार के आपको देखने मिलेंगे, मोनो और रंगीन। क्लियर याद है सभी को? चलिए नेक्स्ट, एलसीडी का पूरा नाम क्या? एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिट क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो क्या नाम है एलसीडी का? पूरा नाम क्या है एलसीडी का? पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, एलसीडी का जो पूरा नाम है भैया, एलसीडी बोलते हैं ना की किंद वो एलसीडी की लबो, एलसीडी क्या परचेज करेंगे? एलसीडी। तो एलसीडी देखिएगा पैनल होता, क्या होता हमारा? पैनल। इस प्रकार से क्या है? पैनल होता है ना, इसी पैनल को हम लोग बोलते हैं एलसीडी। और एलसीडी मतलब हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर डी। और जो ये एलसीडी जो हमारा है एलसीडी, तो एलसीडी हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है? एक आउटपुट है ना। तो सबके घर में देखिएगा एलसीडी पैनल आपको देखने को मिलेगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके नहीं? चलिए एलसीडी दिखाइए, एलसीडी दिखाइए सर। अरे भाई ये खतरनाक फरमाइश है सर। बहुत लेट हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत जकड़ा हुआ है तारों में, है ना। चलिए कभी और, और कभी दिखा देंगे एलसीडी। ठीक है, पहले से तैयार रखना पड़ेगा हमको दिखाने के लिए ना। चलिए नेक्स्ट टाइम एलसीडी दिखाएंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में किस के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? ए कीबोर्ड, बी स्कैनर, सी प्रिंटर एंड डी प्लॉटर। बताए तो लिखे, थ्रू विच मेथड ऑफ इंटरिंग टेक्स्ट एंड द न्यूमेरिकल डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन मेथड? कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर एंड प्लॉटर। किसमें? देख अभी तक क्लास को जो भी लाइक क्लास को नहीं किए भैया, वो सभी लोग क्लास को क्या कर दे? लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल में जो भी नए है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, चलिए। तो जाहिर सी बात है, कैमरा घुमा दीजिए कैमरा घुमा दे। देखिए तो क्या बोल रहा है कि किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को इंटर कराने का सबसे अच्छा हमारा क्या है यहाँ पे? कीबोर्ड होगा, ऑप्शन नंबर ए।
तो देखिए ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा क्या है, कीबोर्ड है। और कीबोर्ड में देखिएगा बहुत सारे आपको यहाँ पे होगा ज्योग्राफी क्लासेस होगा, ठीक है। देखिये यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, बटन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बटन भी है, तो टेक्स्ट बटन में मिलेगा आपको ए टू जेड। तो अगर ए टू जेड आपको इंटर करवाना तो करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे मिलेगा आपको जीरो से लेकर मिलेगा क्या नाइन, तो जीरो से लेकर नाइन तक यहाँ पे न्यूमेरिक डाटा भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को न्यूमेरिकल डाटा को क्या करवाते, इंटर करवाते हैं। और जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो टाइप करेंगे, वही हमको क्या मिलेगा, आउटपुट के तौर पर देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत, क्लियर है आप सभी को? तो एक प्रकार का कीबोर्ड जो हमारा कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए देखिएगा एक विशेष जगह पर क्या होती है, पोर्ट बनी होती है। क्या होती है, एक पोर्ट बना होता है, उसी पोर्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं, उस प्रकार से यहां पे लगा देते हैं, लगाते हैं कि नहीं, क्लियर है। चलो अब तो वायरलेस कीबोर्ड भी आ गया, इसका लफड़ाई खत्म हो गया। तो वायरलेस भी आता है, वायर वाला कीबोर्ड भी आता है, वायरलेस कीबोर्ड भी आता है, ठीक है। और कीबोर्ड में अगर देखा जाए तो पांच प्रकार के की आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं क्या, डाटा देखने या प्रिंट करने में, बी है डाटा स्कैन करने में, सी है डाटा इनपुट करने में, एंड डी डाटा भेजने में, तो किसमें? तो यहां पे है सवाल यहां पे कि आउटपुट डिवाइस मेक्स इट पॉसिबल टू बी और प्रिंट डाटा, स्कैन डाटा, इनपुटिंग डाटा, सेंडिंग डाटा, बता यहां पे राइट आंसर क्या होगा आपका। देखिए तो यहां पे क्या पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, और क्या प्रिंट कर सकते हैं, किसको, डाटा को। तो व्यू देखने के लिए हमारे पास क्या, मॉनिटर, हमारे पास क्या मिलेगा, मॉनिटर। और प्रिंट के लिए देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, प्रिंटर। हमारे पास देखिएगा माउस भी है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हमारा क्या, आउटपुट डिवाइस, हमारे पास क्या, मॉनिटर भी है, और हमारे पास क्या मिलेगा आपको देखने को, प्रिंटर। तो प्रिंट करवाना है तो इसका प्रयोग किया जाए, ये क्या हमारा, प्रिंटर। प्रिंटर बताया कितने प्रकार के, दो, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। और इंपैक्ट में भी देखिएगा आपको मिलेगा दो प्रकार के, एक तो क्या इंकजेट प्रिंटर और देसी व्हील प्रिंटर आपको देखने को मिलेंगे, फिर नॉन इंपैक्ट आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो ये देखिएगा ये हमारा क्या है, प्रिंटर, और ये प्रिंटर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इससे हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं, है ना, सॉफ्ट को हार्ड कॉपी में इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। चलो क्लियर सभी को, चलिए क्लियर यहां तक सभी को, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, रानी चलिए है ना, धस लेगी रे भाई, एक से नागिन लोग आती है क्लास में, हाँ सर अब कंप्यूटर का ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये घर से लाए हम, अरे बहन ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जितने भी सवाल, ये सवाल एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, आएगा कैसे नहीं, आएगा कैसे नहीं। आपको पता है कि प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर कितने टाइप को, इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इंपैक्ट में दो आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, डेजीबिल प्रिंटर आता है, फिर नॉन इंपैक्ट में आपके तीन आते हैं, तो हम सब कुछ आपको बता रहे हैं ना। अब एक दो सवाल तो इजी रहेंगे, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहां पर है यहां तक, तो सारे मतलब इजी से लेकर आपके हार्ड सवाल सारे सवाल लेंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट देखिए आपको आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो समझाने के लिए हमको यहाँ पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, चलिए क्लियर यहां तक, चलिए नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकाली जाती है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, ए प्रिंटर पर प्रिंट, बी फ्लॉपी पर स्टोर, सी सीडी पर स्टोर, डी हार्ड डिस्क पर स्टोर, पता है किस पे, चला।
बताए जल्दी से यहां पे राइट आंसर क्या होगा। तो डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी होती है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, तो डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी जो होता है कहां पे हम लोग करते, प्रिंटर पर प्रिंट करते। कहां पे करते, प्रिंटर, प्रिंट ऑन प्रिंटर पे करेंगे। और जो प्रिंटर है एक प्रकार का हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस। क्या है, आउटपुट डिवाइस। और देखिए प्रिंटर की अगर बात की जाए तो प्रिंटर में आपको दो देखने को मिलता है। एक तो मिलेगा आपको इंपैक्ट, एक क्या है इंपैक्ट, और दूसरा यहां पे देखने को मिलेगा आपको नन इंपैक्ट। क्या मिलेगा, नन इंपैक्ट। और जब इंपैक्ट की बात करें तो इंपैक्ट में आपको दो मिलेगा, एक तो डॉट मैट्रिक्स, क्या मिलेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा मिलेगा आपको डेजी व्हील प्रिंटर। तो यहां पे दो हो गया, एक तो हो गया हमारा इंपैक्ट, दूसरा क्या हो गया डेजी। क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। और जब नॉन इंपैक्ट की बात करते हैं तो वहां पे मिलेगा आपको नॉन इंपैक्ट में इंक जेट प्रिंटर। क्या मिलेगा, इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। यहां पे आपको क्या मिलेगा, लेजर प्रिंटर, है ना। तो देखिए इंकजेट प्रिंटर, यहां पे क्या मिल जाएगा लेजर प्रिंटर, और एक यहां पे आपको देखने को मिलेगा नॉन इंपैक्ट में थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, है ना। तो ये हमारा देखने को मिलेगा। और प्रिंटर का काम ही क्या होता है, प्रिंट करना, जो बाद में आए होंगे देख लीजिएगा, ये जो प्रिंटर है तो इसी प्रिंटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। इसको याद रखें, इसी प्रिंटर के माध्यम से हम लोग क्या प्रिंट करते हैं, हार्ड कॉपी। बोलते हैं ना कि सॉफ्ट कॉपी में है उसको हार्ड कॉपी में निकालना है, तो हार्ड कॉपी में निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पे इस प्रिंटर का यूज करेंगे। समझ आ रहा। हाँ, इस चीज़ को आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। और अगर ऐसे देखा जाए तो आपको मिलेगा तीन, ऐसे अगर देखा जाए कितना मिलेगा, तीन। एक तो मिलेगा कैरेक्टर प्रिंटर, क्या मिलेगा कैरेक्टर प्रिंटर मिलेगा। तो ये देखिए, तो अगर प्रिंटर की बात करेंगे तो प्रिंटर को तीन समूह में बांट दिए, एक तो कैरेक्टर प्रिंटर, एक हो गया लाइन प्रिंटर, क्या हो जाएगा लाइन प्रिंटर, और तीसरा हो जाएगा हमारा पेज प्रिंटर, क्या हो जाएगा पेज प्रिंटर। तो ये तीन प्रकार से हम लोग बांटे, करेक्टर, लाइन एंड पेज। करेक्टर का मतलब हो गया कि ये जो प्रिंट करेक्टर प्रिंटर है, एक एक करेक्टर को क्या करता है, प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर का मतलब हो गया कि ये पूरे एक लाइन को क्या करता है, प्रिंट करता है। और पेज प्रिंटर का मतलब पूरे पेज को एक साथ क्या करेगा, प्रिंट करेगा। यही तीनों का क्या है, तो डिफिनेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, यहां पे कोई दिक्कत है, क्लियर है ना सभी को यहां तक। तो अभी तक क्लास को जो भी लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो ये था आज का आपका ये सेशन। तो अभी तक जो भी क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मजा आया कि नहीं पढ़ने में, पढ़ने में मजा आया कि नहीं आप लोगों को, कोई दिक्कत है क्या बताएं, मजा आया पढ़ने में कि नहीं, मजा ए लो कि ना ए लो। इरिंग बिरिंग बंट प्रिंटर प्रकट हो रवि क्रांत, इरिंग बिरिंग ब्रंट भट्ट, खतरनाक। हाँ, तो अभी आपकी थोड़ी देर बाद आपकी क्लासेस, 5 मिनट में आपकी ज्योग्राफी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो ज्योग्राफी क्लास में भी आप सभी लोग बने रहिएगा, उस क्लास के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखने का प्रैक्टिस करेंगे। सब मिल जाएगा स्नेहा, सभी सभी चीजें आपके मिल जाएंगे, है ना, सभी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, मूर्ख मजा आए लो। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा 6 बजे कंप्यूटर के साथ, और 7:60 आप बने रहिएगा ज्योग्राफी के साथ। तो दोनों क्लास आपको बहुत ही मजा आएगा। हेलो सर, भयंकर सर। चलिए, तो इस क्लास को अधिक से अधिक बाबू सब, नूनू सब,
है ना। तो नहीं, अधिक से अधिक इस क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए मेरे भाई। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में, न्यू सेशन में, न्यू सवालों के साथ, कंप्यूटर के साथ, शाम को 6 बजे। तो कल आप लोग शाम 6 बजे बने रहिएगा हमारे साथ, अजय कुमार प्रमाणिक सर के साथ, ठीक है। हाँ, ज्योग्राफी में पूरा नदी नाला पर्वत पठार सब ला देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अभी क्लास होंगे आपके थोड़ी देर में, तो आप लोग बने रहिएगा। मिलेंगे कल हम लोग नए सेशन के साथ, कंप्यूटर के साथ। और जो भी क्लास में नए हैं, क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड चैनल में जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल के क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।